हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट प्लस उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम हमारा चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर टू का नेम है द वाइस कॉक एंड द फॉक्स। वाइस, वाइस का मीन्स होता है बुद्धिमान। द वाइस कॉक यानी बुद्धिमान मुर्गा एंड द फॉक्स और लोमड़ी। वैसे तो फॉक्स का मीन्स लोमड़ होता है, लेकिन हम यहाँ इसको लोमड़ी ही साउंड करेंगे। सो चैप्टर टू एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और इसमें इस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आएगी और ये आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। इस स्टोरी में कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग भी है, जिसे मैंने यह नोट डाउन किया हुआ है पहले से ही, तो आप भी इसी तरीके से अपनी बुक में इन मीनिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर टू। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ए कॉक सेट इन अ ट्री नियर ए विलेज। ए कॉक, एक मुर्गा, सेट इन अ ट्री, सेट मतलब बैठना, पेड़ के अंदर बैठा हुआ था। नियर ए विलेज, विलेज यानी गांव के पास ही एक पेड़ के अंदर एक मुर्गा बैठा हुआ था। सून ए फॉक्स वेंट टू द ट्री। सून यानी जल्द ही ए फॉक्स, एक लोमड़ी, वेंट टू द ट्री, पेड़ के पास आई या पेड़ के पास से गुजरी। ही वाज हंग्री, वह भूखी थी। हंगरी, हंगरी मतलब भूख लगना जोरों से या भूखा रहना। ही वाज हंगरी, वह बहुत भूखी थी। ही थॉट टू किल एंड टू ईट अप द कॉक। ही थॉट, उसने सोचा, टू किल, किल मीन्स मारना, एंड टू ईट अप, और खाना, द कॉक, उसने सोचा कि वह मुर्गे को मारे और उसे खा ले। बट, लेकिन, द कॉक सेट अप हाई इन द ट्री। बट, लेकिन, द कॉक, मुर्गा सेट अप बैठा हुआ था हाई इन द ट्री, यानी वह पेड़ के बहुत ही ऊपर बैठा हुआ था। द फॉक्स वाज कनिंग, कनिंग मीन्स चालाक। द फॉक्स वाज कनिंग, जो लोमड़ी थी या जो लोमर था वो बहुत ही चालाक था। ही थॉट, उसने सोचा, टू कॉस द कॉक टू कम डाउन द ट्री। टू कॉस, कॉस मतलब सहलाना या मनाना। ही थॉट टू कॉस, उसने सोचा, द कॉक टू कम डाउन द ट्री, उसने सोचा कि वह मुर्गे को पेड़ से नीचे आने के लिए मनाए। सो ही सेड, इसलिए वह कहने लगी, ओ ब्यूटीफुल बर्ड, वाई डू यू सिट हियर अलोन। ओ ब्यूटीफुल बर्ड, अरे सुंदर पक्षी, वाई डू यू सिट देयर अलोन, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। कम डाउन, नीचे आ जाओ। लेट अस टॉक टू ईच अदर लविंगली। लेट अस, ऐसे तो हमें करने दो, लेट अस का मीन होता है टॉक टू ईच अदर लविंगली, चलो हम एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं। द कॉक वाज वाइज, जो कॉक था या जो मुर्गा था वो बुद्धिमान था। ही स्माइल एंड सेड, वह हंसा और कहा, या उसने हंसते हुए कहा, सर आई एम क्वाइट, क्वाइट मतलब थोड़ा या काफ़ी, हैप्पी हीयर, आई एम क्वाइट हैप्पी हीयर, मैं यहाँ थोड़ा या काफ़ी खुश हूँ। द कनिंग फॉक्स सेट, कनिंग मीन्स चालाक। द कनिंग फॉक्स सेट, चालाक लोमड़ी कहने लगी, परहैप्स यू आर अफेड ऑफ मी, परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स यू आर अफेड ऑफ मी, शायद तुम मुझसे डर रहे हो। बट लेट मी टेल यू गुड न्यूज़, बट लेकिन, लेट मी टेल, मैं तुम्हें बताती हूँ, यू गुड न्यूज़ कुछ अच्छी खबर मैं तुम्हें बताती हूँ। यस्टरडे, यस्टरडे का मीन्स होता है कल, गॉड सेंड अस हिज कमांड नॉट टू किल वन अनादर एनी मोर। यस्टरडे, कल, गॉड सेंड अस, गॉड ने मुझे भेजा, हिज कमांड उनके आदेश, कमांड मीन्स आदेश, नॉट टू किल वन अनादर एनी मोर, कि अब मैं किसी को भी ना मारूं, कि गॉड ने मुझे कल यह आदेश भेजा है कि मैं अब किसी को भी ना मारूं। ही ऑल्सो कमांडेड अस टू लव वन अनादर एंड टू लिव हैप्पीली टूगेदर। ही ऑल्सो कमांडेड, और उन्होंने मुझे यह भी आदेश दिया है, अस टू लव, लव मीन्स प्यार करना, वन अनादर एंड टू लिव हैप्पीली टूगेदर, टूगेदर मतलब एक साथ, कि उसने हमें एक दूसरे से प्यार करने और एक साथ खुशी से जीने के लिए भी कहा है या सराहा है। ही सेंट हिज कमांड थ्रू ट्रिस्ट, ही सेंट हिज कमांड, उन्होंने उनके आदेश भेजे हैं थ्रू यानी होता है के माध्यम से, क्रिस्ट यानी उन्होंने ईसा मसीह के माध्यम से यह आदेश मुझे, सॉरी क्रिस्ट यानी उन्होंने
ईसा मसीह के माध्यम से ये संदेश मुझे या ये आदेश मुझे भेजा है, सो प्लीज़ कम डाउन, इसलिए नीचे आ जाओ। लेट अस इम्ब्रेस इच अदर, लेट अस इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, इच अदर चलो हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। द कोक सेट मुर्गे ने कहा, बट आई डिड नॉट हियर हिज कमांड, लेकिन मुझ आई डिड नॉट हियर लेकिन मैंने नहीं सुना हिज कमांड, लेकिन मैंने तो उनके ऐसे कोई आदेश नहीं सुने हैं। द फॉक्स सेट तो फॉक्स कहने लगा, इट डज नॉट मैटर यह कोई मायने नहीं रखता है, मैटर मतलब मायने रखना। यू मे बिलीव मी तुम मुझ पर विश्वास करो, बिलीव यानी विश्वास करना। आई एम ए टू ट्रू क्रिश्चन, मैं एक क्रिश्चन एक धर्म होता है, आई एम ए ट्रू क्रिश्चन मैं एक सच्चा क्रिश्चन हूँ। जस्ट देन द वाइस कोक नोटिस सम डॉग्स आउटसाइड द विलेज, जस्ट देन या उसी समय या तभी द वाइस कोक बुद्धिमान मुर्गे को नोटिस मतलब ध्यान देना, कोक नोटिस सम डॉग्स आउटसाइड द विलेज, उसी समय बुद्धिमान मुर्गे को ऐसा प्रतीत हुआ कि आउट कुछ सम डॉग्स कुछ कुत्ते आउटसाइड द विलेज विलेज के बाहर आए हैं, या उसने कुछ गांव के बाहर कुछ कुत्ते को देखा, कुछ कुत्तों को देखा। ही थॉट वह सोचने लगा, टू टेस्ट मतलब परीक्षण करना या परीक्षा लेना, द ट्रूथ ऑफ द फॉक्स न्यूज़ वह सोचने लगा कि यही समय है कि वह फॉक्स की इस खबर की परीक्षा ले कि वह सच कह रहा है या झूठ, कि भगवान ने उसे सचमुच ऐसा आदेश दिया है कि वह किसी को ना मारे, तो उसने उसकी इस खबर का परीक्षण लेने की सोचा। ही सेड टू द फॉक्स वह फॉक्स से कहने लगा, सर आई सी सम डॉग्स मैंने कुछ कुत्तों को देखा है कमिंग दिस वे इस रास्ते पर आते हुए, लेट मी आस्क देम वेदर दे हियर गॉड्स लेटर्स कमांड, लेट मी आस्क यानी मैं उनसे पूछता हूँ देम वेदर कि क्या उन्होंने भी हियर सुना है गॉड्स लेटर्स कमांड, क्या उन्होंने भी गॉड के इस नवीनतम आदेश को सुना है, मैं ऐसा उन डॉग से पूछता हूँ। द फॉक्स वॉज अफेयर टू हियर इट, द फॉक्स वॉज अफेयर टू हियर इट यह सुनकर फॉक्स डर गया, ही स्टूड अप और खड़ा हो गया। ही नोटिस दैट सम डॉग्स वर रियली कमिंग दैट वे, ही नोटिस उसने भी ध्यान दिया दैट कि सम डॉग्स कुछ कुत्ते वर रियली यानी सचमुच कमिंग दैट वे कि इस रास्ते पर सचमुच ही कुछ कुत्ते आ रहे हैं। सो ही सेड इसलिए उसने कहा टू द कॉक क्विकली इसलिए उसने उस मुर्गे से जल्द कहा, मे बी शायद मे बी मीन शायद दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गॉड्स कमांड, मे बी शायद दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गॉड्स कमांड शायद वह भी गॉड के इस आदेश से अवगत नहीं है या शायद उन्हें भी गॉड के इस आदेश का पता नहीं है, लाइक यू तुम्हारी तरह। सेइंग दैट ही टर्न बैक ये कहते ही वह पीछे मुड़ गया, टर्न बैक यानी पीछे मुड़ना। देन ही रन अवे और भाग गया इन टू द जंगल और जंगल की ओर भाग गया। द वाइस कोक बुद्धिमान मुर्गा क्राउड अलाउड हैप्पीली अब वह खुशी से क्रो क्रो चिल्लाने लगा। वाई डिड द कोक नॉट कम डाउन क्यों वह मुर्गा नीचे नहीं आया, वाई डिड ही क्राउड अलाउड इन द एंड और वो क्यों अंत में क्रो क्रो चिल्लाने लगा। इट वॉज बिकॉज ही वॉज वाइज विडजम वॉज हिज पावर, ही वॉज वाइज वाइज मतलब बुद्धिमान और विडजम मतलब होता है बुद्धिमता या ज्ञान, क्योंकि वह बुद्धिमान था और ज्ञान ही उसकी शक्ति था। तो हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी बुद्धिमान ही होना चाहिए और बुद्धि से और ज्ञान से ही काम लेना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आप भी घर पर इसे अच्छे से रीड करें। और अब हम नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर और इसके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे।